बच्चो सब फिर जमा कर दिया? यस सर। कुछ बोल रहा है कि ना? नहीं सर। कहे नहीं जमा किया तू? हमारे मम्मी के पास पैसा नहीं था और मम्मी बीमार है। जा पैसा लेके आ, जा। क्या बाबा बच्चे? कहीं पैसा नहीं लेके आया है। क्यों, क्या हुआ बाबू, क्यों पैसा नहीं लेके आया? मम्मी के पास पैसा नहीं है और उनकी तबीयत खराब है। क्यों सर, तो ऐसे बच्चे से बात करते हैं? बच्चे से थोड़ा सा शांति से बात कीजिए और बच्चे से पूछिए सिचुएशन के क्या है, उसके क्या तकलीफ है, क्यों नहीं लेके आया है। इस तरह से आप बात कीजिएगा तो कल होकर के बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो इनका भविष्य खराब होगा और इनका भविष्य खराब होने का जिम्मेदार आप होंगे। क्या पैसा मतलब ठीक समझते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे का भी फीस किसी वजह से बच्चे नहीं लेकर के आते हैं, उनके घर में कोई परेशानी रहता है, तो ये एक्सेप्ट करना हमारा काम है, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक बच्चे का अगर फीस हम माफ़ करते हैं तो दुनिया में कितने कोचिंग क्लासेज हैं, कितने बच्चे का फीस माफ़ होगा? तो उससे बच्चे को पढ़ने का क्षमता बढ़ेगा कि नहीं हम भी पढ़ें, हम भी पढ़ें। आज जो गरीब के बाल बच्चे पढ़ने के लिए सोचते हैं लेकिन उनके पास फीस नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, वो कोचिंग नहीं करने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, उनका रिजल्ट सेकेंड थर्ड में चले जाता है। क्यों? ये हम लोग की जिम्मेदारी है, हम टीचरों की जिम्मेदारी है कि 100 बच्चे हम कोचिंग करा रहे हैं उसमें से एक आध बच्चे अगर नहीं आए तो उसके लिए बच्चे को डांट फटकार नहीं करना चाहिए, उनसे प्यार से समस्या पूछिए कि आखिर बच्चे क्यों फीस नहीं लेके आए, वजह क्या है फीस नहीं लेकर के आए, क्या तकलीफ है तुम्हारे घर में। और बच्चे दूसरे बच्चे से इंक्वायरी आप लीजिए कि हाँ इसके बच्चे में सही में परेशानी है इसके घर में कि परेशानी नहीं है, जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। अगर वाकई में परेशानी है उन बच्चे को फीस माफ़ किया जाए तो आइंदा से ऐसा ना हो, कोई भी बच्चे अगर है तो उनको फीस नहीं देने लायक है, समस्या बताएं और वो बोले कि नहीं हम कल देंगे, हम परसों देंगे या दो दिन के बाद देंगे तो देना चाहिए, ये समझना चाहिए हम लोग को, दे दिएगा बच्चा। और जिसके पास बिल्कुल ही मजबूरी है वो नहीं दे सकते हैं और वो कोचिंग भी करना चाहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को उनको समझ सके और उनको पढ़ाएं। एक आध बच्चे नहीं भी देते हैं फिर तो उसको हम पढ़ाएं। तो बच्चे आप लोग घबराइए मत, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आगे बढ़िए। क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं ना? यस सर। तो आप लोग बेझिझक पढ़िए और आगे बढ़िए, हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके। और आप लोग बहानेबाजी नहीं कीजिएगा कि हमारे घर में ऐसा है, वैसे बहानेबाजी नहीं, जो हकीकत बात है वो हकीकत बात बोलिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े कि नहीं ये बच्चे सच बोल रहे हैं, ये बच्चे सही है तो हम उनको फीस माफ़ करके हम पढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप भी बच्चे उस लोग से रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है सर, तो हमें गुजारिश है जितने भी कोचिंग क्लासेज हैं हमारे इस देश में, जितने भी कोचिंग क्लासेज हैं उससे हमें उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसे बच्चे जो जिनके पास फीस नहीं है और वो पढ़ना भी चाहते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि उन बच्चे को कोचिंग क्लास से भगाया ना जाए, उनको भी शिक्षा देने के लिए, शिक्षा प्राप्त उन लोग करना चाहते हैं तो उनको भी आप लोग सहयोग करें। अरे 100 बच्चे अगर हैं कोचिंग क्लास में, अगर एक बच्चे फीस नहीं देंगे तो क्या मतलब आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा? तो इसलिए ये चैनल के माध्यम से हम यही समझाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप भी रिस्पेक्ट दीजिए उन लोग को, उन बच्चे को जो पढ़ना चाहते हैं उनका हौसला बढ़े और जो गरीब के बाल बच्चे हैं जो बिना पैसे की वजह से नहीं आ पाते हैं उन लोग को भी हौसला बढ़े और वो भी कोचिंग क्लास आएँ और उनका समस्या समझा जाए, देखा जाए कि उस लायक हैं कि नहीं है, उनको पता किया जाए कि आखिर वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ने आते हैं और पढ़ने आते तो फीस क्यों नहीं जमा कर पाते हैं। उनसे थोड़ा सा इंक्वायरी करके दूसरे बच्चे से देखा जाए, अगर वाकई में वो नहीं देने लायक है तो एक दो बच्चे को ऐसा माफ़ किया जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है सब टीचरों से और कहीं कोई हम अगर कुछ गलत बोल दिए हैं, कुछ अपशब्द हो गए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोगों को ठेस पहुँचाना हमारा काम नहीं है, हमारा ये संदेश देना काम है कि उसमें आप लोग भी सहयोग दीजिए।
जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसमें आप लोग भी सहयोग कीजिए। जय हिंद, थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे और हमारा जहाँ तक है कि जितना अच्छा से अच्छा वीडियो दे सके आप लोगों को और जागरूकता कर सके। थैंक यू।